हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिगर रियल एस्टेट पे। सो आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन अपडेट की। आपको जैसे पता ही है कि मैंने अपने चैनल पे कंस्ट्रक्शन अपडेट डालता हूँ डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के, और एक कंस्ट्रक्शन सीरीज जो मैंने चलाई हुई है, और इट माइट बी पॉसिबल कि आपका भी अपार्टमेंट किसी प्रोजेक्ट के अंदर हो सकता है। और वाइल लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियो जो है मैं कंस्ट्रक्शन अपडेट डालता हूँ। सो अभी तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हो सकता है कि उसका आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट मिले जिसमें आपने जो ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। सो आज हम जिस कंस्ट्रक्शन अपडेट की बात करेंगे वो है गोदरेज प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट गोदरेज एयर, जो कि सेक्टर 85 न्यू गुड़गांव में है। कहने को तो न्यू गुड़गांव में है, बट अगर द्वारका एक्सप्रेसवे से आप देखोगे जो जहाँ पे NPR CPR का जंक्शन है, वहाँ से 2 मिनट का डिस्टेंस है। सो आज हम उसी प्रोजेक्ट की बात करेंगे, और लास्ट में जो है हम रीसेल के बारे में भी बात करेंगे, क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, रीसेल में क्या रेट चल रहा है और कब इसका पोजीशन मिलने वाला है। सो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कनेक्टिविटी के साथ, जो हमारे वीडियो का हमेशा फर्स्ट सेगमेंट रहता है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग लोकेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले आउट करती है किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए और एंड यूज के लिए। सो ये जो सामने रोड आपको दिख रही है 135 मीटर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, सीधा हमारा मैक्स टू मैक्स 2 मिनट के डिस्टेंस पे द्वारका एक्सप्रेसवे आता है। आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा सामने द्वारका एक्सप्रेसवे, जहाँ पे NPR CPR को मिलता है, यानी नॉर्दर्न पर्पल रोड जिसको द्वारका एक्सप्रेसवे बोलते हैं, सेंट्रल पर्पल रोड से मिलता है, और सेंट्रल CPR के थ्रू हम जाते हैं NH8 या क्लोवर लीफ भी बोल सकते हैं उसको, और क्लोवर लीफ के थ्रू हम कहीं भी जा सकते हैं उड़गांव में, SPR एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड, आपको राजीव चौक जाना है, हीरोंडा चौक, मानेसर, जयपुर साइड हम जा सकते हैं। ये लेफ्ट साइड जो हमारा प्रोजेक्ट है ग्रीन पॉलिस है, और इधर लेफ्ट साइड में ही गोदरेज का नया प्रोजेक्ट आ रहा है 89 के अंदर। अब इधर कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। ये सीधा रोड हमारा जाता है मानेसर, और फिर हम पटौदी हाईवे के थ्रू KMP एक्सप्रेसवे भी जा सकते हैं, और KMP एक्सप्रेसवे से हम फिर आगे सोनीपत, पानीपत, चंडीगढ़ आगे ईजिली विदाउट एंटरिंग दिल्ली हम जा सकते हैं। ये सामने जो आप 1 मिनट के डिस्टेंस में गोल चक्कर देख रहे हो, लेफ्ट साइड में आपका NH8 आता है सीधा रामपुरा चौक, और राइट साइड सीधा आपका पटौदी हाईवे आ जाएगा 1 से 2 मिनट के डिस्टेंस पे। इधर ही आपका राइट साइड RV हॉस्पिटल है, सेंट जेवियर स्कूल है, ऑपरेशनल चीज़ें हैं न्यू गुड़गांव के अंदर, और आगे DLF के भी न्यू टाउन हाइट 1st, 2nd, 3rd, रीगल गार्डन, स्काई कोर्ट, और भी मल्टीपल बिल्डर के प्रोजेक्ट ऑपरेशनल प्रोजेक्ट हैं, और अंडर कंस्ट्रक्शन तो काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। ये आपका अगेन द्वारका एक्सप्रेसवे, सामने जो करसोमी के 2 टावर दिख रहे हैं उसके पीछे आपका ग्लोबल सिटी भी है, हेलीपैड भी आ रहा है, नया ISBT भी आ रहा है, मल्टीपल चीज़ें जो है सेक्टर 84, 85, 88 कमर्शियल सेक्टर आपका आ रहे हैं। ये आपका SS ग्रुप का प्रोजेक्ट है लीव, और SS की काफ़ी बड़ी टाउनशिप है, SS लिंडन है, SS के प्लॉट भी हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ जिसका कंस्ट्रक्शन अपडेट आज हम करेंगे। ये है सामने गोदरेज एयर प्रोजेक्ट, और ये सामने जो आप फ्रंट का स्टैंड अलोन टावर देख रहे हो, ये आपका A5 टावर है। एक कनेक्टिविटी आपकी इस तरफ से बनेगी, और एक कनेक्टिविटी दूसरी तरफ 24 मीटर रोड से, जिसके थ्रू आप और इस कारनेशन और इस एस्टर कोड में भी जाते हो। आप देख पा रहे होगे काफ़ी अभी भी गैप है, रोड अभी भी काफ़ी वाइड होगा आगे फ्यूचर के अंदर, और ऑपरेशनल रोड है, चलता हुआ रोड है, 2 साइड से इसकी एंट्री एग्जिट अभी दिख रही है। ये आप देख रहे हो सामने आपका प्रोजेक्ट है, और A5 टावर है, और टोटल जो है 5 टावर है। पीछे वाले जो 2 टावर है वो A1 A2 है, और उसके आगे जो दिख रहा है वो A3 A4 टावर है, और आगे जो टावर है A5 टावर है, 4 in 1 यूनिट है, 20 फ्लोर से 33 फ्लोर की हाइट है। सामने जो A5 टावर है ये 33 स्टोरी है, उसके पीछे जो 3 टावर है वो 25 स्टोरी है, और फिर जो है सिंगल टावर एक है 20 स्टोरी है। सो ये जो आपका सामने टावर दिख रहा है A5 टावर जो 33 स्टोरी है, इसमें आपका 2 BHK और 3 BHK की यूनिट है। उसके बैक साइड में जो A4 टावर है उसमें 3 BHK एंड 4 BHK यूटिलिटी, A3 टावर जो उसके साथ में है वो 2 BHK डेडिकेटेड 2 BHK का टावर है, और A1 A2 में 3 BHK एंड 4 BHK यूटिलिटी एंड विदाउट यूटिलिटी आपको यूनिट्स मिल जाती हैं।
साइजेस की अगर बात करें तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि आपको साइज चार मिल जाते हैं, 2 BHK 1429 square feet, 3 BHK 1829 square feet, 3 BHK यूटिलिटी 2129, और 4 BHK का एक साइज है अप्रोक्स 2600 के करीब। तो चार साइजेस हैं। और कई बार मुझे क्वेरी ये आती है कि कमेंट में या जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि आप बिल्कुल टावर के नज़दीक जाके ये भी बताया करो कि फर्स्ट में कौन सी यूनिट है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ताकि डिसीजन लेने में आसानी हो। तो उसमें क्या हो जाता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वो इंटरेस्ट बनता नहीं है। तो इतने लंबी वीडियो का फ़ायदा नहीं है कि आपको ओवरव्यू देने की क्या कंस्ट्रक्शन अपडेट है। तो इसलिए वीडियो लंबा ना करते हुए मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि ये देखिए आपके A5 टावर आ गया, और इनके बीच में जो ये आप टावर देख रहे हो A2, A3, A4, A1, A2, इनके बीच में जो क्लब हाउस है, क्लब हाउस आपको पता ही होगा कि सबसे लास्ट में बनता है। रीज़न बीइंग वो क्योंकि कंस्ट्रक्शन चलती है तो वो डैमेज भी हो सकता है। तो ऑल्दो काम साथ में चलता है बट ऑपरेशन सबसे लास्ट में जो आपका क्लब हाउस होता है। सो इधर ये जो आप मूविंग कार देख रहे हो ये सीधा वहाँ पे ओरिस एस्टर कोर्ट जा रही है। आगे एक स्कूल भी ऑपरेशनल है, और लेफ्ट साइड ये SS लीव का प्रोजेक्ट है, SS ग्रुप का। और पीछे जो ओरिस एस्टर कोर्ट है उसमें भी 4 BHK की यूनिट अवेलेबल है। क्या प्राइजिंग है, क्या साइज रहेगा, बात कर सकते हो। ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है वो भी, फैमिलीज आर लिविंग देयर। और ये आपका कंस्ट्रक्शन अपडेट है, MY1 कंस्ट्रक्शन है। तो काफ़ी अच्छा फसाड निकल के आ रहा है गोदरेज का, लिस्टेड आपका बिल्डर है। और लोकेशन के काफ़ी एडवांटेजेस हैं इस प्रोजेक्ट के, जैसे कि मैंने बताया 135 मीटर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, द्वारका एक्सप्रेसवे पास है, NH8 पास है, पटौदी हाईवे पास है, काफ़ी वाइड रोड, ऑपरेशनल रोड है। ये आपका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन अपडेट है गोदरेज मेरिडियन का, सॉरी गोदरेज एयर का। गोदरेज मेरिडियन का भी कंस्ट्रक्शन आगे मैं लेके आऊँगा। तो अगर मैं पोजेशन की बात करूँ तो इस ईयर से इनका पोजेशन स्टार्ट हो जाएगा। आगे वाले तीन टावर आप देख रहे हो कि फिनिशिंग का काम भी चल रहा है। सो इस ईयर में पोजेशन इनका स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है जून जुलाई के आसपास। और फिर नेक्स्ट ईयर कुछ टावर का पोजेशन होगा, टोटल 5 टावर हैं। और सामने ही गोदरेज 89 का प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका रेरा आ गया है। आप लगा के चलो 1 से 2 दिन के अंदर इसका रेरा जो है एक्सपेक्टेड है। प्रोजेक्ट का नेम भी आ गया उसका, ये आपका ऑपरेशनल रोड है। और पूरे आप न्यू गुड़गांव का एक व्यू देख पा रहे हो थ्रू ड्रोन कैमरा। सो ये कंस्ट्रक्शन अपडेट है इसका। और आगे हम रीसेल के बारे में बात करेंगे कि रीसेल में क्या रेट चल रहा है आज की डेट में, और क्या आपके लिए इसमें अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो उसके लिए वीडियो में बने रहें। सो ये था इसका कंस्ट्रक्शन अपडेट। अब हम बात कर लेते हैं रीसेल की। जैसे कि मैंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर चार टाइप के साइजेस हैं, 2 BHK, 3 BHK, 3 BHK प्लस यूटिलिटी एंड 4 BHK प्लस यूटिलिटी। 2 BHK आपका जो साइज है वो 1429 है, उसके बाद 3 BHK 1829, 3 BHK यूटिलिटी 2129, और फिर 4 BHK अप्रोक्स 2600 square feet का आपका साइज आ जाता है। और रीसेल के अंदर आज की डेट में जो डील मिलती है अप्रोक्स 12,000 square feet के आसपास, 12,000 पर स्क्वेयर फीट के आसपास डील मिलती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हो सकता है कॉर्नर यूनिट हो, नोज़ यूनिट हो, या क्लब हाउस फेसिंग हो, या और किसी की प्रेफरेंस फेसिंग होती है, मिडिल फ्लोर है, अपर मिडल है, लोअर मिडल है। सो उसके डिपेंडेंट जो है प्राइस थोड़ा बहुत चेंज होता है। बाकी रीसेल का प्राइस है तो आपको पता ही है, जिसकी यूनिट है वो कुछ भी मांग सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली रेट यही चल रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करो या एंड यूज़ की बात करो तो इन्वेस्टमेंट अप्रोक्स 1.70 CR से स्टार्ट हो जाता है आपका 1429
29 साइज़, और जो सबसे बड़ा साइज़ है वो 3.10 CR तक जाता है। सो ये इस हिसाब से प्राइसिंग है। सो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप देख रहे हो तो आपको पता ही है कि आज के डेट में चाहे गुड़गांव देखो या न्यू गुड़गांव देखो, प्राइसिंग जो है पर स्क्वायर फीट इससे ऊपर ही आ रही है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो मेरे हिसाब से 2 ईयर प्लस का आपका होराइजन है, तो आप एंटर कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक एप्रिसिएशन अभी और भी आ सकता है। और दूसरा, अगर मैं बात करूँ एंड यूज़ के लिए, तो अच्छा प्रोजेक्ट है ही। जैसे कि मैंने बताया कि फसाड काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है, क्योंकि माइवन कंस्ट्रक्शन है, बिल्डर ठीक है, लोकेशन काफ़ी अच्छी है, और निकाल के भी अच्छा ही लेके आएंगे। क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन डेट में हमें इतना अच्छा समझ में नहीं आता, क्योंकि हर तरफ जैसे कि सामान हो गया, मटेरियल हो गया, वो सारा खिंडा हुआ होता है। बट जब एक बार चीज़ निकल के आती है पूरी फिनिशिंग के बाद, सो वो चीज़ ही अच्छी निकलती है। लोकेशन तो मैंने आपको बता दिया, काफ़ी लोकेशन एडवांटेजेस इसके हैं ही। सो ये था पूरा हमारा आज का वीडियो गोदरेज एयर के कंस्ट्रक्शन रेट पे। रीसेल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, अगर आप रीसेल में यूनिट देख रहे हैं तो भी आप मेरे से बात कर सकते हो। बाकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर फ्लैश कर ही रहा है। सो ये था आज का हमारा वीडियो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करके जाना, और टेलीग्राम चैनल मेरा है वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय।